करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को, और इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी पॉइंटेड होती नज़र आ रही हैं, आगे से जो फिंगर्स का फ्रंट पोर्शन है काफ़ी पॉइंटेड हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनालिटिक क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी, हर चीज़ को अच्छी तरह से एनालाइज करना इनकी एक तरह से हैबिट रहेगी। और फिंगर्स की अगर लेंथ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मुझे लेंथ दिखाई दे रही है बृहस्पति की, बृहस्पति फिंगर यानी जुपिटर फिंगर की लेंथ काफ़ी अच्छी है और थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी एनर्जी और स्टैमिना रहेगा और लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहने वाली हैं, क्योंकि यह फिंगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी फेयरली लॉन्ग भी दिखाई दे रही है, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ को एक तरह से बढ़ावा मिलता है इसकी वजह से, और थोड़ी सी ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी भी रहती है अगर यह फिंगर लंबी हो। बाकी की फिंगर्स भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी लेंथ में दिखाई दे रही हैं, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छी रहेंगी इनके अंदर, क्योंकि अपोलो फिंगर पॉइंटेड भी है और काफ़ी अच्छी लंबाई में भी है, और जो मर्करी फिंगर है यह भी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, फर्स्ट फैलेंट के आसपास पहुँच रही है, तो काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी शाइनेस रह सकती है क्योंकि थोड़ी सी लो सेट हो रही है फिंगर यहाँ पर, तो स्वभाव में थोड़ी शाइनेस हो सकती है लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब बृहस्पति फिंगर लॉन्ग हो जाती है तो व्यक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रोवर्ट भी होता है, तो दोनों तरह की क्वालिटीज़ इनके अंदर रहने वाली हैं। तो चलिए चेक करते हैं सेटिंग को, तो जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो यहाँ से यार आप देखें तो बाकी की तीन फिंगर्स जो हैं काफ़ी हाई सेट हैं, सिर्फ मर्करी फिंगर ही थोड़ी लो सेट है, तो कोई भी और नोटिसेबल चीज़ नहीं है यहाँ पर जिसको ज़्यादा हाईलाइट किया जाए, तो अच्छी सेटिंग है फिंगर्स की, माउंट्स को काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है इनके हैंड पे। तो चलिए चेक करते हैं थोड़ा सा क्लोजअप लेकर माउंट्स को, तो माउंट्स इनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर इन दोनों फिंगर्स के बीच में जो बनने वाला गोल बारीक लाइनों से जो यह लाइंस होती हैं घुमावदार, जिनको फिंगरप्रिंट्स वाली लाइंस कहते हैं, तो इस तरह से जो घूम रही लाइंस हैं इनको हम लूप्स कहते हैं पामिस्ट्री में, तो यहाँ पर एक लूप बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे जिसको लूप ऑफ सीरियसनेस कहा जाता है, तो थोड़ी सी सीरियस टाइप की नेचर इसकी वजह से रहती है। और वैसे भी हमने देखा था कि जो इनकी सैटर्न फिंगर है वो थोड़ी सी टिल्टेड नज़र आ रही थी, आपको दोबारा से दिखाना चाहूँगा एक बार, हल्की सी टिल्टेशन नज़र आ रही थी सैटर्न फिंगर में, जिसकी वजह से भी कुछ सीरियस नेचर रहने की एक तरह से प्रभाव रहता है, और यहाँ पर लूप ऑफ सीरियसनेस का बनना भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक और ज़्यादा इंक्रीज कर देता है। आगे चेक करते हैं यहाँ पर इनके माउंट्स को, तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर बृहस्पति माउंट की, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर मुझे यह माउंट दिखाई दे रहा है, काफ़ी प्रोमिनेंट माउंट है और कुछ ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है लाइंस चलने वाली, प्रोग्रेस की लाइंस काफ़ी ज़्यादा हैं इनके हाथ में, तो प्रोग्रेस लाइफ में काफ़ी रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ऊपर की तरफ चलने वाली यह लाइंस, यह प्रोग्रेस दिलवाती हैं व्यक्ति को जो लाइफ लाइन से निकल कर बृहस्पति माउंट पर पहुंचती है, तो प्रोग्रेस तो काफ़ी अच्छी रहने वाली है यहाँ पर, कोई डाउट नहीं है, माउंट भी काफ़ी प्रोमिनेंट है बृहस्पति का। उसके आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर माउंट ऑफ सैटर्न यानी कि शनि का माउंट, तो यह भी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, काफ़ी उभरा हुआ है और यहाँ पर सैटर्न की लाइन प्रॉपरली पहुँच रही है, तो यहाँ पर इस माउंट को और भी ज़्यादा एक तरह से अच्छा बना देती है यह लाइन, तो काफ़ी अच्छी लाइन होने की वजह से लाइफ में इनकम का फ्लो आता रहेगा, कोई भी दिक्कत मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, काफ़ी अच्छी लेंथ है यहाँ, फिंगर की लेंथ भी काफ़ी अच्छी थी और माउंट भी काफ़ी अच्छा है, और उससे उसके बाद यहाँ पर एक अच्छी इस लाइन का बनना, सैटर्न लाइन का बनना काफ़ी शुभ रहता है। चलिए आगे देखते हैं सूर्य माउंट को, तो सूर्य माउंट भी काफ़ी अच्छा है लेकिन यहाँ पर सूर्य की लाइन जो है यह मुझे नहीं दिखाई दे रही, बहुत ही हल्की लाइन है सूर्य की, जो रिकॉग्निशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, अदरवाइज़
सूर्य का माउंट अच्छा होने की वजह से फेम रहता है, लेकिन अगर लाइन भी साथ में हो तो वो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो लेकिन यहाँ पर लाइन जो है बहुत लाइट है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी, एज बढ़ने के साथ फेम बढ़ता जाएगा, लेकिन अर्ली एज में यहाँ पर मुझे कोई भी सूर्य की रेखा नहीं दिखाई दे रही। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर इनके हाथ में बनने वाली लाइंस जो मरकरी माउंट के ऊपर हैं, कुछ खड़ी रेखाएं मुझे काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आ रही हैं, जैसे कि आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। कुछ लाइंस हैं यहाँ पर हल्की, बहुत ही हल्की हैं, लेकिन हैं ज़रूर। इन यह लाइंस बिजनेस एकुमन को दर्शाती हैं, यानी कि बिजनेस की कैपेबिलिटी कैसी है व्यक्ति की। और यहाँ से एक हल्की लाइन, यहाँ से एक बारीक लाइन चलती हुई भी यहाँ पर पहुँचती नज़र आ रही है, तो जिसको मरकरी लाइन कहा जाता है। तो मरकरी लाइन का होना और साथ ही साथ कुछ खड़ी रेखाएं मरकरी माउंट के ऊपर होना काफ़ी शुभ साइन है, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रोग्रेस रहेगी लाइफ में, काफ़ी अच्छे बिजनेस के स्किल्स इनके अंदर होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं इनकी लाइंस को वन बाई वन। पहले हार्ट की लाइन से शुरू करेंगे, उसके बाद माइंड की लाइन के ऊपर जाएंगे, तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हार्ट की लाइन जो है इनकी लगभग कुछ इस तरह से चलती नज़र आ रही है मुझे, जिसमें एक जो इसका सिरा है वो बृहस्पति माउंट के ऊपर पहुँचता हुआ नज़र आ रहा है। तो काफ़ी ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सनैलिटी यहाँ पर मैं इनकी देख रहा हूँ, काफ़ी ऑनेस्ट हैं, काफ़ी लॉयल पर्सनैलिटी दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ इमोशनल भी हैं, क्योंकि लाइन जो है लगभग काफ़ी अच्छे कर्व में है, तो इमोशंस इनके अंदर रहेंगे। और साथ ही साथ एक ब्रांच जो है हार्ट की लाइन की, मुझे मंगल की तरफ यहाँ से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप देखें, बारीक ब्रांच है जो मंगल की तरफ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो अग्रेशन को बढ़ावा देती है। तो कुछ हद तक इसकी वजह से गुस्सा भी स्वभाव में काफ़ी ज़्यादा रहता है, अग्रेशन रहेगा, और थोड़ी सी टेंशन या तनाव भी इस लाइन की वजह से हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं और क्या-क्या नज़र आ रहा है इनके हैंड में हमें। तो माइंड की लाइन को चेक करते हैं, यहाँ पर माइंड की जो लाइन है इनकी काफ़ी लंबी है, काफ़ी स्ट्रांग लाइन है माइंड की, काफ़ी शार्प माइंड यहाँ पर एक तरह से मैं देख पा रहा हूँ, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। तो लगभग शुरू का जो एरिया है लगभग 24 के आसपास तक का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, काफ़ी चेंज स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आइलैंड जैसा चिन्ह बन रहा है। तो शुरू की लाइफ थोड़ी स्ट्रगल भरी, लेकिन यहाँ से 24 के आसपास की एज से माइंड जो है काफ़ी फ्री होता हुआ नज़र आ रहा है, माइंड की लाइन काफ़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ से लगभग अगर आप देखें तो कुछ यहाँ से इस तरह से लाइन चलती हुई मंगल के एरिया से चलती हुई, काफ़ी सीरियस स्ट्रांग लाइन, काफ़ी शार्प माइंड रहेगा इनका, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी इमेजिनेशन रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं, कल्पनाएं थोड़ी सी रहेंगी, क्योंकि हल्का सा झुकाव है, ज़्यादा झुकाव नहीं है चंद्र की तरफ। तो यहाँ ये एक स्ट्रांग साइन है, माइंड की लाइन का अच्छा होना व्यक्ति की तरक्की में खूब बेनिफिट्स रहते हैं, तरक्की काफ़ी अच्छी रहती है लाइफ में जिनकी माइंड की लाइन स्ट्रांग हो, तो यह एक लक लाइन की तरह ही काम करती है। तो आगे चेक कर रहे हैं यहाँ पर इनकी लाइफ की लाइन को, लाइफ की लाइन यहाँ पर आगे चलती हुई मर्ज हो रही है फेट की लाइन में, तो बाहर की तरफ निकलती हुई लक की माइंड इनकी लाइन ऑफ लाइफ दिखाई दे रही है, और बाहर की तरफ यानी एक्स्ट्रोवर्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं लाइफ में। जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती जाएगी एक्स्ट्रोवर्ट होते हुए, और यहाँ से लगभग मर्ज होती हुई लाइन, और काफ़ी लगभग जो एज इनकी रहने वाली है 75 से 80 के आसपास की एज रहेगी, और यहाँ 55 के आसपास तक लाइफ बड़ी स्ट्रांग चलने वाली, उसके बाद थोड़ी वीकनेस है यहाँ पर, कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम 55 की एज के बाद दिखाई दे रही है, लेकिन आगे की लाइन काफ़ी अच्छी मर्ज होकर नज़र आ रही है इसमें और बढ़ रही है आगे की तरफ। तो यहाँ पर इनकी लाइफ जो है कुछ हद तक 55 के बाद थोड़ी सी चेंज होने वाली है, और साथ ही साथ यहाँ पर इनहेरिटेंस के भी साइन नज़र आ रहे हैं, अंदर की तरफ मंगल की रेखा एक नज़र आ रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति को इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस भी काफ़ी रहते हैं।
और वीनस का एरिया यहाँ पर काफ़ी अच्छा और पिंकिश कलर में है, तो हर तरह की लग्जरीज इनको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक तिल का होना थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव भी डालता है, तो वीनस के एरिया के ऊपर एक ब्लैक कलर का तिल मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको लॉस भी रह सकता है, रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, पर्सनल रिलेशनशिप्स में। तो थोड़े से वीनस के उपाय इनको करने चाहिए जो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। उसके अलावा अगर फेट की लाइन की बात की जाए तो फेट की लाइन काफ़ी अच्छी और स्ट्रांग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, फेट की लाइन जो आगे चलकर और स्ट्रांग होती दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर आकर लगभग यहाँ पर 36 से लेकर 38 के आसपास की एज में थोड़ी सी ओवरलैपिंग नज़र आ रही है मुझे लाइन में, जो कुछ हद तक फाइनेंशियल लॉसेस को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन यहाँ पर आगे चलकर फिर से लाइन काफ़ी स्ट्रांग होती नज़र आ रही है, तो जो कुछ ना कुछ फाइनेंशियल लॉस यहाँ पर होने के चांसेस हैं 36 के बाद की एज में और 38 के अराउंड, 38 39 के अराउंड कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, और उसके बाद थोड़ा शिफ्ट है तो अपने प्रोफेशन में कुछ चेंजेस ये कर सकते हैं इस एज में आकर। उसके बाद काफ़ी स्ट्रांग फेट की लाइन है, तो आगे कोई भी दिक्कत मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर लगभग एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी होती हुई नज़र आ रही है, आपको दोबारा से ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यहाँ से ये जो लाइन चल रही है माइंड की लाइन, और यहाँ से ये जो लाइन है फेट की लाइन, और यहाँ से जो आप देख सकते हैं यह बारीक लाइन है, यह लाइन है इनकी मरकरी की लाइन। तो तीन लाइंस से मिलने से ये मनी ट्रायंगल बनता है, तो थोड़ा सा ओपन्ड है यहाँ से मनी ट्रायंगल, आप देख सकते हैं थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है जो शो कर रहा है कुछ लॉसेस को और कुछ हद तक खर्चों को, जिसकी वजह से पैसा ये काफ़ी अच्छा स्टोर कर पाएंगे लेकिन साथ साथ खर्चे भी इनके काफ़ी ज़्यादा रहने वाले हैं लाइफ में, तो थोड़ा सा इनको संयम से खर्चे करने चाहिए। तो खर्चों के कारण थोड़ा सा मनी ट्रायंगल जो खुला शो हो रहा है तो खर्चों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो खर्चों के कारण थोड़ी सी दिक्कतें रह सकती हैं लाइफ में, अदरवाइज़ पैसा ये खूब अच्छा स्टोर कर पाएंगे। यहाँ लगभग सारे के सारे चिन्ह जो मुझे इनके हैंड में दिखाई दे रहे थे उनको मैंने एक्सप्लेन किया और कोशिश की कि सारे चिन्हों को इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी यह पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक ही वीडियो में सारे की सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जा सके। अगर फिर भी आपको कोई और नया चिन्ह दिखाई देता है तो मुझे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उसके बारे में लिखें, और इनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर इनका क्वेश्चन कोई पेंडिंग रह गया हो तो मुझे इसी ईमेल पे रिवर्ट बैक करें, ताकि मैं दोबारा से इनके हाथ को चेक कर इनके जो सवाल हैं, इनके क्वेश्चन, इनके रिप्लाई इनको टाइमली मैनर पर दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।